फा तो कैफा कैसा काना रहा नकीरी, नकीरी में असल में है नून काफ रे इनकार से, तो ये देर जो है ना इसकी ये असल में या है आगे जो मखलूफ है, तो मेरा इनकार मीन फिर जो तर्जमा यही करते हैं फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा रहा या मेरा इनकार करने का अंजाम कैसा रहा। अलम क्या नहीं तरा, तरा असल में है ये भी बड़ी दफा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, रे अलफ या तरा, ये चूंकि लम है ना तो लम की वजह से वो या जो है ना वो गिर गया है। अलम तरा क्या तूने नहीं देख, क्या नहीं तरा तूने देखा अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह अंजला नाजल किया मिनस समाए आसमान से मा पानी, अल्लाह ने आसमान से पानी नाजल किया बारिश बरसाई, अल्लाह पानी नाजल करता है बारिश बरसाता है, मा पानी फा तो अखरजना हम खराजा निकलना अखराजा निकालना, फा तो अखरजना हमने निकाला बे ही उस पानी से समारा फल मुख्तलिफन मुख्तलिफ अलवान अलवान असल में लौन की जमा, ये कहते हैं ये मुख्तलिफ रंगों की लौन है ये भी, तो अल्लाह कहता है फिर हमने उससे फल निकाले अलवान मुख्तलिफ अलवान उनके रंग जो है ना फिर मुख्तलिफ थे, हा सम्राट की तरफ जाता है उन सम्राट के रंग मुख्तलिफ हैं, देख लो कोई ऐसे है कोई आम है कोई सेब है मुख्तलिफ किस्म के हैं, और इवन बाद ये भी हम पढ़ के आए हैं कि बाद मुख्तलिफ किस्म के जायके शक्लें रंग हैं, जैसे फ्रूटर की फैमिली है कि माल्टा भी है संतरा भी है किन्नू भी है फ्रूटर भी है, तो ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बयान कर रहा है कि देखो हमने उससे फिर मुख्तलिफ किस्म के फल निकाले वा और मिनल जिबाल पहाड़ों में से भी जदूद, जदूद असल है जुद्दत उनकी जमा टुकड़े गाटियां, देखो पहाड़ों की मोटरवे आगे पीछे जाएं तो पहाड़ों की वो गाटियां मुख्तलिफ कलर्स की नजर आती हैं, तो अल्लाह कहता है इसी तरह पहाड़ों के भी मुख्तलिफ रंग है मुख्तलिफ गाटियां हैं मुख्तलिफ टुकड़े हैं, कुछ संगमरमर का पहाड़ है कुछ काले पहाड़ हैं कुछ सुरख हैं मुख्तलिफ हैं, अल्लाह फरमा रहा है अमिनल जिबाले और पहाड़ों में से भी जुदाद उन टुकड़े हैं हिस्से हैं गाटियां हैं बीज उन बीज सफेद ऑब्वियस की जमा है इसका है जमा वा होमर सुरख अहमर की जमा है मुख्तलिफन अलवानुहा इनके भी मुख्तलिफ लौन है रंग है पहाड़ों के भी वा गराबीब और सूद, सूद कहते काले को अस्वद के ये जमा है तो गराबीब गिरबाब की जमा है असल में कहते हैं गुराब कहते हैं कब्बे को तो मतलब एक कब्बे जैसे मीन गहरे काले हैं गराबीब और सूद बहुत गहरे काले किस्म के पहाड़ हैं हर किस्म के अल्लाह कहते हैं, इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं वमिन नास और लोगों में से भी बस दवाब दवाब दावत उनकी जमा है ये पढ़ते हैं हमने काफी दफा पढ़ा है जानवर ज्यादा मुराद यही है लोगों से भी और जानवरों में से भी वल अनाम ये नाम की जमा है मवेशियों में से भी मुख्तलिफन उनके भी अल्लाह फरमा रहा है मुख्तलिफन अलवानुहू उनके भी रंग मुख्तलिफ है कज़ाले का इसी तरह अल्लाह अपनी कुदरत बयान कर रहा है तौहीद के दलायल बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला ने देखो पहाड़ों के फलों के इंसानों के मुख्तलिफ जो है ना जानवरों के मवेशियों के मुख्तलिफ अल्लाह ने रंग रखे इन्नमा दर हकीकत या बेशक या इसके सिवा नहीं कलमा हसर है असल में यक्षल्लाह खेशीन या डरता है अल्लाह से मिन इबादे ही उसके बंदे उलमाओ जो आलम हैं जो इलम वाले हैं यहाँ पे अल्लाह ने असल में इलम की फजीलत बयान की है कि इलम वाले वो ही हैं जो अल्लाह से फिर डरते हैं जिनमें खशियत इलाही है वो है असल हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा इलम वाला सबसे ज्यादा अल्लाह का इलम रखने वाला मैं हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ, तो यहाँ पे असल में इलम की फजीलत बयान की गई है कि इलम वही है कि फिर जिस जो खशियत इलाही पैदा करे इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अजीज उन गफूर है अजीज है जबरदस्त है गफूर है ये अल्लाह से डरने वाले की हमने वो सूरह बय्यिना में एक लास्ट आयत भी पढ़ी थी रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा
ये उसके लिए है रज़ा अल्लाह की जो फिर अल्लाह से डर गया। तो इन अल्लाह बेशक अल्लाह अजीज है, जबरदस्त है, गालिब है, गफूर है, बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ये अब उनकी उलमा की जो है ना ये फिर फर्दर अल्लाह ने उनकी तारीफ कह लो बयान कर दी गई है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग यतलूना तेलाम भाव जो तलावत करते हैं किताब अल्लाह की, तलावत मीन जो कुरान पढ़ते हैं पढ़ाते हैं अमल करते हैं दावत अल्लाह करते हैं वो सब फिर तलाव में आएगा। जो अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं वह आकाम और कायम करते हैं अकाम अलकीम असलाद नमाज को वा और अनफकू जो इन्फाक करते हैं खर्च करते हैं मिन मा उसमें से जो रज़क ना हमने रिज़क दिया हम उनको सिरन इसरार छुपे चोरी छुपे सदका खैरात वा अलानिया थन अलानिया जो ज़कात ज़कात के हुक्म में बेशक अलानिया दें यरजूना रेजीम वाओ वो उम्मीद रखते हैं तवक्को रखते हैं तजारतन एक ऐसी तजारत की लन हरगिज नहीं तबूरो कल ये प्रश्न पड़ा था बारा या बूरो बर्बाद होना मतलब देखो फिर अल्लाह के साथ ऐसी तजारत करते हैं कि जो फिर कभी खत्म बर्बाद होने वाली नहीं जाया होने वाली नहीं। जैसे हमने सूरा इनाम में शायद पढ़ा था या पढ़ के हम आए थे कि अल्लाह ने जो ईमान वालों से जन्नत के बदले उनकी जानों और मालों को खरीद लिया है इसी तरह कहा जा रहा है तजारत यही है कि अल्लाह की रजा है अल्लाह के बेशुमार जो इनामात हैं उसके अजर और सवाब हैं जन्नत की नेमतें और आराम हैं यही अल्लाह के नेक बंदों की अल्लाह के साथ तजारत है। तो तजारत है लंग तबू कि वो बर्बाद होने वाली नहीं जाया होने वाली नहीं इसमें कोई घाटे का सौदा ही नहीं ले ताकि युवफी वाओ फे या वफा युवफी वफा जो उर्दू में हम कहते हैं वफा करना हाँ पूरे का पूरा देना अजूरा हूँ अजूर अजर की जमा ताकि अल्लाह ऐसे लोगों को उनके अजर उनके बदले उनके सिले उनको पूरे का पूरा दे व यजीदा और वो ज्यादा दे ज्यादा यजीदू हम उनको मेरे फजल ही अपने फजल से जैसे हमने पढ़ा था सूरह बकरा में कि एक दाने के बदले अल्लाह चाहे तो 700 दाने तक अजर और सवाब देगा।